गाइस, ये है मेरा जो सुबह सुबह का खरना वाले दिन, सुबह सुबह खरना नहीं, नहाए खाए वाले दिन, कि इनको ऑफिस जाना था तो, और मेरी एक नंद है पूजा, वो भी आई हुई थी तो उनको भी कॉलेज जाना था, तो ये मैं सुबह जल्दी से उठ के 6:30 या 7 बज रहे थे, मैंने फटाक से नाश्ता वगैरह बना दिया, बिना लहसुन प्याज का ये भी बनाया था। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग खा लेना, बट नहीं खाते हैं शायद। फिर पापा को चाय वगैरह दे दिया पापा जी को, और उसके बाद फिर क्या होता है वो आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो आगे आप लास्ट तक ब्लॉग देखना, ये वाला ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं छठ पूजा से पहले, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको दिखाया है। मार्केट गए हैं एंड मेरे पापा से मिलने गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर चुकी हूँ, मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ मॉर्निंग से ही। तो अभी तक मैंने जो जो चीज़ें की हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। मुझे आपसे बात करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे फटाफट से सारी चीज़ें निपटानी थी। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड सुबह के बज रहे हैं 7:30। धूप एकदम मेरे फेस पे डायरेक्ट पड़ रही है। मैं थोड़ी देर धूप में इसलिए बैठी हूँ ना क्योंकि धनवी की तबीयत ख़राब ना हो जाए। मैं सुबह सुबह मैंने नहाया है इसलिए, तो इसलिए मैं थोड़ी देर धूप में आके बैठ गई। आज का ब्लॉग क्या है, आज से स्टार्ट है हमारा महापर्व छठ। मतलब हर एक बिहारी के लिए ये दिन, ये टाइम इतना स्पेशल होता है ना कि जो हमारे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं छठ पूजा का नाम लेते ही, एंड इतने श्रद्धा, इतने दिल से हम लोग इस पूजा का इंतज़ार करते हैं। सो फाइनली हमारी छठ पूजा आ चुकी है एंड आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा महापर्व छठ। तो आज है नहाए खाए, एंड मैं छठ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं छठ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और बस ये लोग को तो पता होगा, जो लोग बिहार से हैं उन लोगों को तो पता होगा, बट जो बिहार से नहीं है उनको मैं बता दूँगी आगे कि क्या मैं छठ कर रही हूँ। और गाइस, इतना स्पेशल फील होता है ना, इतना स्पेशल, मतलब मैं क्या बताऊँ छठ के बारे में और क्या बोलूँ मैं। जो भी एक एक चीज़ करने में इतनी स्पेशल फीलिंग आती है। तो चलो अभी आगे की बातें हम बाद में करेंगे, बट अभी मैंने सुबह का सब कुछ कर लिया है, उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घिया की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी और चने का दाल उसमें डाल के लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। सब कुछ नेमहा, मतलब गैस वैस को पोंछ के सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, एंड बिना लहसुन प्याज के ये खाना बनता है। इसको नहा खा के मम्मी और भाभी और मैं, जो भी छठ पूजा करेगा वो उस चीज़ को नहा खा के बहुत ही अच्छे से विधि के साथ उसको खाते हैं, एंड यहाँ से हमारी छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद हमारा जो छठ पूजा है वो 4 दिन तक चलेगा। आज है, कल छोटी छठ है, फिर दूसरी वाली छठ है जब हम घाट जाते हैं, फिर मॉर्निंग वाली छठ है। तो 4 दिन की छठ पूजा होती है हमारी जो आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। हैप्पी छठ पूजा गाइस, एंड बताना मुझे आप लोग कहाँ कहाँ से और आपके घर में छठ पूजा होता है क्या, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे मेंशन करके बताना। चलो चलते हैं किचन में। सो मैंने नहा लिया है नाश्ता वगैरह करने के बाद, फिर से सारा किचन एक बार और साफ़ किया, और उसके बाद अब मैं भाभी और मम्मी के लिए खाना बना रही हूँ। और मेरा तो अभी आप लोगों को पता नहीं है कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा इसी ब्लॉग में या फिर इसके आने अगले ब्लॉग में, बट अभी तो देखते हैं आगे जैसे भी हुआ मैं बता दूँगी अगर टाइम लगा तो। तो हमारे यहाँ जो नहाए खाए वाले दिन बनता है घीये की सब्ज़ी लौकी की, और उसमें चने का दाल मिक्स करके और बिना लहसुन प्याज के, सिर्फ जीरा और मेथी और लाल मिर्च से मैंने छौंक का और तेल डाल लिया था तेल गर्म होने के बाद। और ये बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एंड रोटी, मतलब छठ पूजा में ना साफ़ सफाई हर चीज़ से खाना बनाना चाहिए, वरना बनाने वाले को ही पाप लगता है। तो इसीलिए मैंने नहावा के मैं रेडी होके तब मैं बना रही हूँ। तो दो बार मुझे आज खाना बनाना पड़ गया था। और ये घिया को मम्मी से मैंने कटवा लिया है बिल्कुल छोटे छोटे, और जब सब कुछ डाल के जब गर्म हो जाएगा तब इसको डाल के कुकर में, इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि घिया थोड़ा सा वो था इसलिए इसको कुकर में, वैसे आप कढ़ाई में भी बना सकते हो एंड इस तरीके से दिखेगा आपका घिया। आइए आइए, हाँ आइए आइए, हाँ आइए आइए आइए।
एंड मम्मी यहाँ पे पूजा करने के बाद मुझे भी येल्लो वाला सिंदूर लगा रही है, मुझे और धन्वी को। और मैं मम्मी से कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोल ही जा रही थी, मतलब कुछ बात हो रही है। मेरे बाल ऐसे इसलिए हो रहे थे क्योंकि मैं लेट के धन्वी को फीड करा रही थी, इसलिए मैंने बाल वाल ऐसे किया। मम्मी ने एकदम से नहाए खाए का हो गया, खाना जो भी बनाना था मैंने सबको दे दिया और सबने खा लिया। एंड ये मुझे पार्सल्स आए थे तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं ना, इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर साड़ियाँ। और जैसे कि आपको बताया मैं शिवम के यहाँ गाँव जा रही हूँ, ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने चीज़ें मंगाई है, कुछ देने के लिए किसी किसी को और कुछ खुद पहनने के लिए। एंड कुछ मम्मी और मैं ट्यूनिंग करके कुछ पहनने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजें ली है जो मैं आपके साथ इसी ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। एक अलग से हॉल वीडियो लेके आओ ना तो उसमें मेरा भी बहुत टाइम लगता है एंड आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है मेरे हॉल वीडियो ज्यादा देखना, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग में ही चीजें शेयर कर दिया करूंगी कि आप लोग ब्लॉग में जल्दी से चीजें देख भी लोगे एंड आपको समझ भी आ जाएंगे। तो ये मेरे पास है, आप लोग देख सकते हो, इतनी सारी साड़ियाँ, 7 साड़ियाँ हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड मैंने लिया कहाँ से है, तो मैंने लिया है मेरा लिंक से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा लिंक का जहाँ से मैंने इन साड़ियों को बाय किया है, तो आप जरूर चेक कर लेना। एंड आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मैं इन साड़ियों को आपको पहन पहन के दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। एक्चुअल में पूरा लुक आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एंड काफी रीजनेबल प्राइस में आपको मेरा लिंक पे मिल जाएगा। एंड इस टाइम फेस्टिवल का ऑफ चल रहा है, शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो सेल्स वगैरह तो चल ही रहे हैं, तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगी कोई सी भी साड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नेवी ब्लू साड़ी की, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी है एंड सिल्क फैब्रिक में है एंड इतना चौड़ा सा ये बॉर्डर है एंड नेवी ब्लू ब्लैक, दो साड़ी सेम डिजाइन में बस कलर डिफरेंट डिफरेंट है। और ये मैंने क्यों मंगाया है आप लोग जरूर सोच रहे होंगे, तो ये मैंने मंगाया है मैं और मेरी मम्मी, हम लोग गांव में मिलेंगे दोनों साथ में और हमने इस साड़ी को ट्विनिंग करके पहनेंगे, मतलब मैं पहनूंगी ब्लू वाली एंड मम्मी पहनेंगी ब्लैक वाली, सेम डे पे हम ये दोनों साड़ी पहनेंगे। तो वो तो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा जब हम एक दिन सेम साड़ी ये पहने हुए होंगे, बट मैंने सोचा कि मैं पहले ही शेयर कर दूं कि जब पहनूं तो ऐसा ना हो सब पूछे कहां से लिया कहां से लिया, तो ऑलरेडी सबको पता हो कि ये मैंने कहां से लिया है एंड फटाक से आप लोग ऑर्डर प्लेस कर दो। बहुत ही सुंदर साड़ी है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हो, मैंने इसमें से एक साड़ी आपको पहन के दिखा दी है, बस कलर डिफरेंट है बट डिजाइन पैटर्न सब कुछ सेम है, काफी रीजनेबल प्राइस में, स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन है इनका प्राइस एंड मेरा लिंक पे आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही सस्ते सस्ती चीजें आपको मिल जाती है अदर वेबसाइट पे। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास नेवी ब्लू कलर में, ये भी सिल्क फैब्रिक में है, डोला सिल्क जो होता है ना, ये वो वाला सिल्क है एंड इस तरीके की पूरी साड़ी है जिसपे इस तरीके के फ्लावर्स बने हुए हैं, इस तरीके के पल्लू पे टेसल्स लगे हुए हैं, काफी ज्यादा सुंदर साड़ी है गाइस। अब ये है साड़ी का पल्लू, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही हल्की साड़ी है एंड बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, बहुत ज्यादा सुंदर है और पहनने के बाद एक बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के आ जाएगा। इसी में का सेम मैंने साड़ी लिया है, ये पिंक कलर में, ब्लू एंड पिंक, ये फिर से मैं और मम्मी हम दोनों ट्रेनिंग करेंगे, तो ये पिंक कलर की है साड़ी, दोनों साड़ी सेम है बस कलर अलग अलग है, डिजाइन पैटर्न फैब्रिक कपड़े का सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, तो बस हम लोग कलर अलग पहनेंगे बट साड़ी दोनों जने सेम पहनने वाले हैं। तो ये साड़ी भी काफी ज्यादा अच्छी है, प्राइस आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास अगेन ब्लैक कलर की साड़ी है, जो मैंने ली है अपनी नानी को देने के लिए ये साड़ी, एंड ये साड़ी भी काफी ज्यादा सुंदर है आप लोग देख सकते हो। एंड इसका जो फैब्रिक है ना, चंदेरी सिल्क में इसका फैब्रिक है एंड बहुत सुंदर साड़ी है गाइस, बहुत सुंदर। ये साड़ी ना साउथ इंडियन टाइप्स में जाती हैं, जो कि मतलब वो लोग पहनते हैं बहुत अच्छे से इसको लुक, मतलब ट्राई करते हैं, तो मैंने नानी के लिए ली है अपनी ये साड़ी, बट मैं आपको अपने ऊपर ट्राई करके दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये लगता कैसे है। जब भी नानी पहनेंगे वो आगे आप लोग ब्लॉग में तो देख ही लोगे कि ये साड़ी लगती कैसी है। तो प्राइस इसका भी स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन है एंड काफी अच्छे फैब्रिक में है, काफी सॉफ्ट फैब्रिक है, मतलब आपको गर्मी नहीं लगने वाली है एंड आप किसी नॉर्मल से पार्टी वगैरह में इसको अगर कैरी करोगे ना थोड़ा हैवी ज्वेलरी के साथ, तो बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही प्यारा लुक आपका निकल के आएगा, तो बहुत सुंदर लगोगे आप। एंड उसके बाद भी है मेरे पास एक रेड कलर की साड़ी, जो कि अगेन बहुत ही प्यारी साड़ी, सब सिल्क की साड़ियाँ हैं, कुछ डोला सिल्क है कुछ चंदेरी सिल्क है, आप सबको पता है मैं सिल्क की कितनी दीवानी हूँ, तो मुझे सिल्क की साड़ियाँ काफी ज्यादा पसंद है एंड इतने रीजनेबल प्राइस में ये साड़ियाँ मिल गई हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये रेड कलर की साड़ी गाइस, इस पर छोटे छोटे से ये बूटी वाले वर्क है, काफी सुंदर लग रही है साड़ी एंड इस साड़ी में भी यहाँ साइड में आप देख सकते हो टेसल्स लगे हुए, आजकल जो टेसल्स है वो ट्रेंड में है। एंड इस साड़ी का जो पल्लू है वो है ग्रीन कलर में,
लोग देख सकते हो, रेड मरून, थोड़ा रेड टमाटर रेड में थोड़ा मरून का टच है, तो मरून एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। एंड इसका जो ब्लाउज है आपको वो भी ग्रीन कलर में मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो कॉम्बिनेशन दिया है ना साड़ी का बहुत ज्यादा सुंदर है, एंड ये साड़ी भी बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत सुंदर है साड़ी। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट साड़ी डार्क ग्रीन कलर में आई, ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, लोग देख सकते हो, ये साड़ी बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। एंड ये बहुत सुंदर लगेगी अगर कोई न्यूली मैरिड है जिसके भी शादी हो रही है तो वो ये सारी साड़ी ले सकता है, बहुत सुंदर लगेगी उनपे। और ये भी सिल्क में साड़ी है, एंड इसका भी कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, एंड प्राइस आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है। तो इन साड़ियों को चलो अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये सारी साड़ियाँ लग कैसे रही है। अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके कुछ भी बाय कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप पे भी आप डायरेक्ट मैसेज करके बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको हमेशा मैं सूट वगैरह दिखाती थी, बट इस टाइम आप सबकी रिक्वेस्ट थी कुछ साड़ी देखने के लिए, इसलिए मैं आप सबके लिए साड़ी लेके आई हूँ। देखते हैं कि आज पूरे दिन क्या क्या होता है, वो सारी 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 चीजें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी गेहूं वगैरह धोना था तो मम्मी और भाभी ने छत पे धोके गेहूं वगैरह डाल दिया, बट अभी मैं आपको चलती हूँ दिखाती हूँ कि किस तरीके से डाला है और बाकी क्या क्या चीजें होती है वो सब आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चलिए ये देख सकते हो गेहूं जो कि मम्मी ने धोया था और छत पे इसको सूखने के लिए डाल दिया है। इसी से हमारे यहाँ आटा बनता है एंड उसी आटे से प्रसाद बनता है। अभी नहाए खाए वाला ही दिन है, वही वाला व्लॉग चल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने पापा के ऑफिस अपने ब्लाउज सिलने के लिए देने के लिए। जैसे कि आपको पता है मैंने कल ही साड़ियाँ ली हैं, तो ब्लाउज तो स्टिच हुआ नहीं था तो मैं पहनती क्या, तो फिर कैसे भी करके जुगाड़ बिठाया। हमेशा का मेरा यही है कि कभी भी कोई फेस्टिवल आता है ना उसके दो या एक दो दिन पहले ही मेरा ब्लाउज इतना अर्जेंट हो जाता है सिलवाना, फिर मेरी मम्मी बेचारी इधर से उधर भाग भाग के सिलवाती हैं। तो मैं ले जा रही हूँ पापा के ऑफिस, मेरे घर के पास ही है यहीं पर फिल्म सिटी में। एंड मेरे पापा क्या करते हैं ये मैं आप लोग को इसी ब्लॉग में बताऊँगी क्या करते हैं मेरे पापा। तो उनके ऑफिस जा रही हूँ और अपना ब्लाउज दूँगी मैं, पतिदेव और मम्मी, और वहीं साथ में मार्केट है तो देखते हैं वहाँ पर अगर छठ पूजा चीजें मिल गई तो ले लेंगे। एंड लगवाऊंगी मैं मेहंदी अपने हाथों में, मैं और मम्मी हम दोनों मेहंदी लगवाएंगे। तो हम थोड़ी देर में निकलते हैं और उसके बाद अब से बात करते हैं। सुनो नहाए खाए तो विश कर दो, अभी करेंगे। अभी थोड़ा सा इनका मतलब अंदर से इन्हें बहुत थकान थकान फील हो रही है। और आपको पता है मैंने अपने फोन का कैमरा सेटिंग कर लिया, मेरे को पता नहीं था ये आईफोन में सेटिंग करना पड़ता है कैमरा वगैरह, तो मैं नॉर्मल वैसे ही यूज़ करती थी जैसा हमने खरीदा था। बट आज मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी और मतलब मैं 10:30 पता नहीं कुछ पे अपना वीडियो शूट करती थी, आज मुझे पता चला कि मैं 4K कुछ पे कर सकती हूँ, तो वो मैंने चेंज कर लिया है, इसलिए मेरी वीडियो की क्वालिटी आपको अब और भी अच्छी देखने को मिलेंगी। हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, मैं, धनवी, मम्मी और ये। हमने बहुत सारे काम लेके गए थे कि मेहंदी भी लगवानी है, आईब्रोज भी करवानी है, मम्मी ने भी मेहंदी नहीं लगाई थी, मैंने भी नहीं लगाई थी, तो हम लोग ये सब करने गए थे। बट वहाँ पे मार्केट में जाके इतना टाइम लग गया कि हम कुछ भी नहीं करा पाए, पता नहीं शायद मेहंदी मैं लगवा पाऊँ भी या ना, लेकिन मैं ना भी लगाऊँ लेकिन मम्मी को ज़रूर लगवा दूँगी कैसे भी। और ये है मार्केट और देख सकते हो दुकान कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, हर चीज़ यहाँ पे मिल गई थी हमें, मतलब इतनी सारी शॉप्स थी छठ पूजा की, सारी चीज़ें मिल गई थी सब कुछ। धन भी आई है छठ पूजा की शॉपिंग करने, तब जाके हमें छठ पूजा की शॉप मिली है जहाँ से हमें चीज़ें लेनी है। एंड इस मार्केट के बारे में हमें पहले कभी भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम पता चला जिस मार्केट में हम आए हैं। ये सोम बाज़ार करके है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं एंड छठ पूजा का भी सब कुछ मिल रहा है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं एंड हम क्या क्या लेने वाले हैं। हमारे घर से थोड़ा सा दूर है बट मार्केट बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ईजिली मिल जा रहा है, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एंड हम पहले सामान लेंगे छठ पूजा का, उसके बाद जाएंगे पापा के ऑफिस ब्लाउज लेने, है ना। चलो तो दादी और पापा ले रहे हैं सामान क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि क्या क्या होता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पूजा की जो ली जाती है, तो वो मम्मी और ये मिल के ले रहे हैं और हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। Thank you.
फाइनली हमारी सारी चीज़ें हमें मिल गई है जो जो हमें चाहिए थी। एंड देख सकते हो आप कितना बड़ा मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। ये है हमारे उठाने वाले भाई साहब, हमें हमारे यहाँ वो हाथ ही नहीं वो करते हैं। आपका आया नहीं है रिकॉर्ड? आया थी, ऑन नहीं किया था। ये लो भी पापा हाथ में लगा के, ये हाथ में ना छोटा ज्यादा छोटा बोल। जय छठी मैया, जय छठी मैया। आज मेरा पहला छठ पूजा है, मैं शॉपिंग करने खुद आ गई हूँ, है ना। मैं खुशी करने आई हूँ दादी के साथ, मैं देखने आई हूँ कि दादी खो तो नहीं जाएंगी। चलो आप चलते हैं कुछ और लेने। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा 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 अभी रह गया है, जो भी रह गया हम ढूंढ रहे हैं, और मिलते ही वो सारी चीज़ें भी लेके हम घर निकल जाएंगे। सो फाइनली हमें हमारी गाड़ी मिल गई, एंड हम इस तरीके से गन्ने को लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ गन्ने की भी पूजा होती है, तो रात में कोसी भरते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। तो आपको सारी चीज़ें विधि विधान से मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो हम लोग छठ पूजा का सारा सामान ले आकर मार्केट से लाके क्या हो गया बेटा, और घर में रख चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं फिर से बाहर रात को 11 बजे लॉन्ग ड्राइव पे, जो अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। घूमने के चक्कर में नींद नींद भी नहीं आ रही। चलो अंदर घुमा चलो। नहीं कपड़े कितने गंदे पहने हमने, नहीं हम मार्केट गए थे तो हम आ गए हैं पापा के। घूमती रहती है, छुट्टी 12 बजे। मैं दिवाली में भी आ गई थी। चलो तो ये है मेरे पापा का ऑफिस। नजी आ रही है? नहीं। सो मेरे पापा जी न्यूज़ में है, कौन सी पोस्ट पे है क्या है ये सारी चीज़ें मैं नहीं अभी शेयर करूँगी, बट जी न्यूज़ में है, न्यूज़ में है, मीडिया लाइन में। सो हम यहीं पे आए थे मेरा ब्लाउज वगैरह देने, जैसे कि मैंने आपको बताया था धर्मी ने रो रो के परेशान कर दिया, तो हम बस हम निकल रहे हैं। एंड इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, बहुत बड़ा ब्लॉग हो चुका है, तो आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग क्या बेटा पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, छठ की वीडियोज अभी आपको रोज कुछ नया नया मिलता रहेगा। सो फटाक से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।